हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिएक्ट टू ऑल में। मेरा नाम है निखिल। तो गाइस, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, आज मैं एक तेलुगु मूवी के टीजर को रिएक्ट करने वाला हूँ जिसका नाम है द गोस्ट थमगन है, और इसके अंदर हमें नागार्जुन सर दिखने वाले हैं और उनकी ब्रह्मास्त्र आ ही रही है। आई थिंक नेक्स्ट मंथ ही आएगी ब्रह्मास्त्र, और उसके अंदर उनका काफ़ी अच्छा रोल दिखने वाला है। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है उस मूवी को लेके गाइस। और ये मूवी के अंदर क्या होने वाला है, मतलब द गोस्ट किस रेफरेंस में बोल रहे हैं, क्या सही में कोई भूतिया मूवी होने वाली है? तो बिना किसी देरी के सबसे पहले देखेंगे टीजर और फिर करेंगे चर्चा। चलो ओके। काफी डार्क होने वाली लग रहा है। रानी। ओके, इंटरपोल है वो। रेड नोटिस, रेड नोटिस। थमागन है 0.8 से 1.2% कार्बन। ओके, तो थमागन है कोई मेटल है। ओके, इससे कुछ बनने वाला है शायद। ओके, एक सॉर्ड बनाने वाले लगता है। हाँ, सॉर्ट ही बनेगा इससे। BGM सुपर है यार, BGM से ऐसा लग रहा है कोई वॉर होने वाली है। ओके, आई थिंक कोई वॉर ही होने वाली है सही में यार। द सॉर्ट, ही इज प्राउड इन द हैंड्स ऑफ। The king. अच्छा, आगे उसको पकड़ने के लिए। बहुत लोग है यार। ओके, सूट है यार। अच्छा, उनको बेवकूफ बनाने के लिए रखा है वहां कि वो उधर खड़ा है। ओहो, लुक तो जबरदस्त है यार। ओके, प्रीशियस स्टील थमगने का मतलब द गोस्ट। 25 अगस्त को ओके ट्रेलर आएगा, अक्टूबर 5 को रिलीज होगा। ओके, अक्टूबर 5 को रिलीज होने वाली है, और आई थिंक मेरे ख्याल से 25 अगस्त को इसका पूरा का पूरा ट्रेलर आएगा यार। लेकिन ट्रेलर छोड़ो, ये छोटे से प्रोमो के अंदर ही यार इतना इम्प्रेस कर दिया है ना। मतलब जिस हिसाब से डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, BGM और जो नागार्जुन सर का कैरेक्टर है, आई थिंक इतने छोटे से प्रोमो के अंदर इतना स्ट्रांगली वो अट्रैक्ट कर रहा है चीज़ों को कि भाई सही में सोचने पे मजबूर कर रहा है कि होने क्या वाला है। भले वो पहला सिनेरियो जहाँ पे वो गन निकालते हैं, और जहाँ पे वो मेरे ख्याल से इंटरपोल का ही था, रेड नोटिस है ना। और रेड नोटिस नाम की हमने मूवी तो देखी है हॉलीवुड के अंदर, रायन रेनॉल्ड और ड्वेन जॉनसन वाली। तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल से वो वैसा कोई सिनारियो क्रिएट करने वाले, अगर रेड नोटिस की बात हो ही रही है तो ऑब्वियसली रेड नोटिस में उनका नाम जाता है जिनको हंट, आई थिंक जिनको हंट किया जाता है ना। अगर किसी का नाम आ गया उसके अंदर तो पूरे के पूरे जितने भी वर्ल्ड वाइड जो एजेंट्स होते हैं वो उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो क्या ये जो नागार्जुन सर का कैरेक्टर है उसका नाम आ गया, या फिर वो सही में कोई एजेंट था कि अब लोग उसके पीछे पड़ गए? ये देखने लायक होगा कि वो क्या एक एजेंट है, या फिर वो सही में, जैसे इसमें दिखाया कि द गोस्ट एक गोस्ट कैरेक्टर है जो हंट करता है लोगों को। अगर ऐसा है तो वो बाकी लोग कौन है, किसने भेजे हैं उनको पकड़ने के लिए? और थमागने का मतलब ऑब्वियसली प्रीशियस स्टील दिखाया गया है, तो क्या होने वाला है? मतलब क्या कोई प्रीशियस स्टील के बारे में कोई होने वाली है? उस स्टील से ऑब्वियसली हमने देखा वो ब्लेड बनी है, वो सॉर्ड बना हुआ है। तो अब क्या सारा सिनेरियो इसी चीज़ के ऊपर होगा, वो स्टील के ऊपर होगा, या फिर कोई इनका कैरेक्टर है जिसे ऑब्वियसली रेड नोटिस
इंटरपोल और इन सब चीज़ों को ऐड करूँ तो एक एजेंट वाला सिनारियो आ जाता है कि भाई कोई एजेंट है और वो ढूंढना है किसी को, तो काफ़ी सारे सिनारियो दिमाग में घूम रहे हैं। ऑब्वियसली अभी हम कुछ गैस नहीं कर सकते, लेकिन जो मुझे बहुत अच्छा लगा इस छोटे से प्रोमो के अंदर वो था ऑब्वियसली जो सिनेमेटिक्स इसके थे, जिस हिसाब से डार्क टोन में इसको शूट किया गया था, और द गोस्ट नाम भी बहुत सही लग रहा है, और जिस हिसाब से शूट किया गया था वो भी बहुत अच्छा लग रहा है एक डार्क टोन में। और जो नागार्जुन सर है, मतलब मुझे एक फीलिंग आ रही थी जॉन विक जैसी, है ना, एकदम वैसी फीलिंग आ रही थी। तो उतना डेडली तो नागार्जुन सर का कैरेक्टर लग भी रहा है कियोनी रेविस जैसा, और जो BGM था वो भी सुपर्ब लग रहा है, और नागार्जुन सर की जो इंटेंसिटी है जो आंखों में वो सब तो यार नज़र आ रहा है। तो मेरे को लग रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होने वाला है, और बाकी के और जो कैरेक्टर हो सकता है वो ट्रेलर में नज़र आएंगे तो थोड़ा बहुत खुलेगा कि भाई हो क्या रहा है, है ना, किस बारे में है मूवी। लेकिन जितना इसमें नज़र आ रहा है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप कर रहा है मेरे अंदर तो। और सही में गाइज मैं वेट कर रहा हूँ कि क्या होने वाला है, जब ट्रेलर खुलेगा तो उसके अंदर पता चलेगा और भी कैरेक्टर्स में ऐड होंगे, तो क्या ये पूरा का पूरा एक वर्ल्ड होगा, मतलब जैसे हमने रेड नोटिस में भी देखा था कि एक पूरा का पूरा नेटवर्क था एजेंट्स का, तो क्या इसके अंदर भी वैसे कुछ देखने मिलेगा कि और भी कैरेक्टर्स होंगे जो एजेंट की तरह हमें दिखने मिलने वाले हैं, और कहाँ कहाँ कौन कौन सी सिटी में ये सिनारियो देखने मिलेगा, तो काफ़ी कुछ है। और इसी तरीके से अगर डार्क टोन में उसको शूट किया जाएगा तो कितना इंटरेस्टिंग होगा यार। तो सही में गाइज मैंने बहुत इंजॉय किया, आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो मैं आपको मिलूंगा एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।